देखो, जब तक बच्चे छोटे हैं ना, तब तक ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, कितना कचकचाट करते हैं, कितना परेशान करते हैं ऐसा करके। फिर जब उड़ जाते हैं ना, इतना बुरा लगता है, घर इतना सुना सुना लगता है। सास जी जा रही है अभी रुद्रपुर को, कुछ सामान लेना है दुकान का। नीलू भैया, दो सास जी, उनके फ्रेंड और मेरे भाई जा रहे हैं। जाओ, हो गए, गुड जर्नी, बाय। बाय। खाना खा लेना। गुड मॉर्निंग, अब हम चल रहे हैं चलो टूर जस्ट ऑफ में। जर्नी। हाँ ओके, थैंक यू, मिलते हैं शाम को। हाँ, ये नीलू चाचा लोग सब जाने लग गए हैं रुद्रपुर को। बेस्ट ऑफ चलनी देवर जी, थैंक यू। चाय पानी पी लिया। हाँ, हाँ और खाना आना खा लेना। ओके। अभी अंधेरा हुआ है चारों ओर बिल्कुल। ऐसा हुआ है, अभी चंदा मामा भी ऊपर हैं। बाय बाय भैया, बाय बाय। चलो फिर शाम को मिलते हैं। ओके। वो भैया करने लग गया है गाड़ी साफ। भैया है ड्राइवर। गुड मॉर्निंग। वो है दानू भैया, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर के बेस्ट फ्रेंड बचपन से ही। तो कहीं भी जाते हैं तो साथ साथ ही जाते हैं। बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार, मेरे आर्मी वाले भाई बहनों को, मेरे किसान भाई बहनों को खास सल्यूट। मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा दोसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं छत से। तो दोसा जी लोग के जाने के बाद फिर थोड़ा सो गई थी, तो अब थोड़ा सा चिड़िया वगैरह को आई हूँ मैं दाना वगैरह देने, उनको देती हूँ दाना। मौसम भी लग रहा है कहीं बारिश आती क्या होता है, मौसम भी बादल वगैरह जैसे लगे हैं आसमान में और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सब छत झाड़ लेती हूँ, छत से ही शुरुआत कर लेती हूँ थोड़ा सा। सुबह सुबह हो जाते हैं ढेर सारे काम, क्योंकि 5-6 कमरे में झाड़ू लगाओ और बर्तन खाना वगैरह फटाफट ही होता है सुबह का समय, और बंदर भी खराब कर देते हैं छत को। हर रोज सीढ़ियाँ हुई हैं थोड़ी गंदी, उनको धो लेते हैं। सुबह सुबह सफाई से ही काम की शुरुआत होती है। तो साथियों, मैं ऐसा करती हूँ ना, जहाँ पे तो हम रोज रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहाँ की तो मैं रोज़ सफाई करती हूँ। और जो हमारे जैसे बैठक रूम है उसकी मैं हफ्ते में एक ही दिन करती हूँ, संडे टू संडे, क्योंकि नहीं हो पाता ना रोज, या कभी कोई आने वाले हो तब। बंदर भी इतने गंदे किए हैं, बंदर उछल कूद के जाते हैं और सीढ़ियों में ही पूरी लेटरिन बाथरूम सब कर देते हैं। डाल
तो साथियों, अभी मैं ड्यूटी से आ गई हूँ घर, और आज बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ था। तो जैसे ही मैं घर आई तो मुझे भानु ने बताया कि आज काजल आई है करके। दिल में भी बहुत अच्छा लगा, आने वाली है करके मुझे सुबह से पता था, लेकिन ड्यूटी जाना भी ज़रूरी था। और वो तो बच्चा ही है, कह रहा था मम्मा मैंने नींबू पानी पिलाया क्योंकि उसका पेट हेड घूम रहा था, अब जरा मिल लेती हूँ अपनी काजू से और आपको भी मिलाती हूँ। कन्नू मेरा बेबी, कैसा है तू, कैसी, ठीक है? ठीक है मेरा भाव, ठीक है मेरा भाव, खुश रहो, ठीक है तू, तबियत ठीक है? टोपा भी तूने डाला है फिर तूने? कुछ खाया तूने घर आके? हाँ, भानु कह रहा था पानी पिलाया। जरा खिचड़ी डाल देती हूँ यहाँ आगे। कन्नू के लिए है मेरे पास सरप्राइज, स्वागतम मेरा बेबी। कुछ नहीं है, घर आएगा। स्वागतम काजू। बेटियां जब घर आती है ना कितनी रौनक आ जाती है, क्योंकि यहाँ तो सारे लड़के ही लड़के हैं, मेरे देवर हो गए, हस्बैंड और भानु हनी, क्योंकि अपने दिल की जो बातें हैं ना, फीलिंग वगैरह, वो सब बताई नहीं जाती है। और ठीक है जादू, ठीक है मेरा भाव, ठंडा हो रहा है, फिर ठंडा हो रहा है, जरा कान बांध देती हूँ ऐसे। बुखार कब से आ रहा था तुझे? हाँ? दो तीन दिन हो गए। कुछ खाया तूने रास्ते में? हाँ? कुछ नहीं खाया, अकेले थी कि कोई था? और दोस्त मिल गई थी। मैंने अंकल जी से भी कहा था कुछ खिला देना उसको करके, और खाया भी, खिलाया उन्होंने, गाड़ी वाले अंकल जी से कहा था। संतरा खिलाया। कितनी आई है अभी तो छुट्टी? एक तक है। अच्छा, ठीक हो जाएगी। हाँ, अभी दवा मंगा दूँगी, भी ठीक हो जाएगी। हाँ, वैसे दवा एकदम नहीं खानी चाहिए, पता है? पहले थोड़ा काढ़ा हरा पिला, थोड़ा हरा कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। और सुना फिर, और क्या हो रही है? खाली है गाय, पक्की पिनाओ नहीं कहते, जैसे गांव में पहाड़ी में कहते हैं पक्की पिनाओ करके। एकदम थोड़ा सा बुखार आ जाता है, मतलब इम्यूनिटी इतनी कमजोर है ना इसकी, क्या बताऊं। और अब इतना अच्छा लग रहा है मुझे, क्या बताऊं, इतनी खुशी हो रही है मुझे मेरी बच्ची घर आई है करके। लेकिन 1 तारीख को तो फिर जाना ही है उसने। अब कल परसों से जब काजल ठीक हो जाएगी, फिर आप लोग को 30 तारीख तक देखने को मिलेगी काजल। और बहुत ही चुलबुली बच्ची है मेरी वो, और बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के आने से, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी मुझे ना अपनी वैशाली की भी याद आ रही है। काजल तो मेरी दूसरी बार आ गई, वैशाली अभी कब से नहीं आई है। ऐसा ही हुआ बच्चों का। और काजी वो क्या बनाऊँ या तेरे खाने में क्या बनाऊँ? खट्टा खट्टा कुछ। क्या मतलब, झोली बनाते? हाँ, झोला कैसा बनाऊंगी, मसाले वाला की वाइट वाला? वाइट है। अच्छा, चल फिर अभी बनाती हूँ, तो फिर अभी उस वहीं आ जाना किचन के वहाँ पर वाले कमरे में। हाँ हाँ, काजल एक बार जाएगी हम से अक्सु से मिलने बागी से, और फिर अम्मा बबू से मिलने के, फिर आप आर के अम्मा बबू से मिलने, और फिर थोड़ा नैनिहाल अपनी नानी से मिलने। बस 2-3 दिन रहेगी मेरे पास। देखो जब तक बच्चे छोटे हैं ना, तब तक ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, कितना कचकचाट करते हैं, कितना परेशान करते हैं ऐसा करके। फिर जब उड़ जाते हैं ना, इतना बुरा लगता है, घर इतना सुना सुना लगता है। अब बनाती हूँ मैं अपने काजू के लिए फटाफट उसकी डिमांड का झोला। साथियों, काजल आई है मेरी अभी अभी, तो सफर से आने के कारण मैंने कहा क्या बनाऊँ, कह रहे कुछ भी नहीं, वाइट वाला झोला बना दे करके। तो मैं बना रही हूँ उसके लिए व्हाइट वाला झोला, पहाड़ी झोला।
तो व्हाइट वाला पहाड़ी चोला बनाने के लिए सबसे पहले तो इसमें घी डालते हैं। बहुत सिंपल होता है, सुपाच्य होता है, जल्दी से पच जाता है। और काजल को भी पसंद है क्योंकि उस ऊपर से उसका जी मचल रहा है ना। तब और चावल मैंने पहले ही धो के रख लिए हैं। और इसके लिए चाहिए हमें दही और कुछ भी नहीं, बस इसको फिर नमक डाल के खाया जाता है, जल्दी जल्दी बन जाता है। मसाले डाल के हम इसको पीला भी बना सकते हैं, नमक नमक, लेकिन उसको व्हाइट वाला पसंद है तो मैं व्हाइट ही बना रही हूँ। हमारा घी हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। तो जीरा भी हमारा तड़क चुका है, अब डाल रही हूँ मैं इसमें चावल। लाइट आती जाती रहती है, इसमें से भी भीनी भीनी खुशबू आने लगी, तो उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। और जैसे इसमें एक हल्का हल्का उबाल आता है तो फिर इसमें डाल देंगे हम दही। आने लग गया है एक हल्का हल्का उबाल, तो दही खट्टी नहीं हुई है तो मैंने एक ग्लास ली है। हम उसके अनुसार ले सकते हैं, अगर किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ज़्यादा, नहीं तो कम। तो थोड़ा सा पतला बनाना पड़ता है, थोड़ा पानी इसमें पड़ेगा। लगा देती हूँ मैं इसमें ढक्कन थोड़ी देर में, मैं 10 मिनट में बनके हो जाता है ये रेडी। तो हमारा हो गया है व्हाइट वाला चोला तैयार, और अब इसको रखती हूँ मैं काजल के लिए। थोड़ी देर पकने के बाद ढक्कन लगाना पड़ता है, और बहुत ही स्वादिष्ट सुपाच्य होता है। इसमें पीसा नमक है, ये इसमें डाला है हमने पुदीना और अजवाइन, बाकी आवश्यकता अनुसार ले जाती हूँ जितना काजल लेगी। बना के ला गई मैं अपने काजू के लिए जोला, उसकी जोला की डिमांड थी क्योंकि ना काजू को हल्का बुखार भी आया है सफर की वजह से, फिर इसके पेपर हुए तो उसके बाद आ गई। उन दिनों इसने सारे ढंग से भी खाना नहीं खाया। चल पहला चम्मच में खिलाऊंगी अपने भाव को। कैसा हुआ है? अच्छा अच्छा हुआ है, लो खा बेटा। और नमक कम हुआ होगा तो और फिर लेगी। हाँ इतने दूर हुए हम, पेपर में भी नहीं जा पाने वाले हुए, इतना दुख होता है कभी कभी बच्चों के लिए, क्या करें। और आई है तो अभी इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। मेरी काजू खैरी आई ओ राम जी, मेरी काजू खैरी आई ओ राम जी। अभी भी मैं इसको ना पतोड़ती भी हूँ, परसों भी जब पहली बार आई थी दो चार लगाए इसको और प्यार भी उतना ही करती हूँ। खाई जो फिर। हाँ हेलो हाय कर दे, कह दे फिर जरा मेरे दोस्तों से, ऐसे कर दे हाय कर। देखो कैसे बिल्ली भीगी बिल्ली बनी है ना, अभी ऐसी नहीं है। हाँ तो आज दिन भर का काम मेरा ऐसे ही हुआ। हाँ सुबह फटाफट झाड़ू पोछा वगैरह करके कपड़े वपड़े धोके मैं गई ड्यूटी, और उसके बाद फिर ड्यूटी से आके तब तक फिर काजल भी आ गई थी मेरे ड्यूटी से आने से पहले, और फिर उसने जोले की डिमांड की, उसके लिए जोला वगैरह बनाया। और रात
के सब्जी की तैयारी भी अभी करती हूँ। पहले तो थोड़ा सा आज मेरे मसाले, मेरा धनिया हो गया खत्म, हूँ मसाले वगैरह पीसती हूँ और सिंक में बर्तनों का है ढेर, उनको करती हूँ साफ। और आज बना रही हूँ गेठी की सब्जी। तो साथियों आज बना रही हूँ मैं गेठी की सब्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो जैसे जाड़ों में हम गोहत की दाल होगी, गेठी होगी, पहाड़ों में ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। और जैसे मीट वगैरह बनता है, मैं तो नहीं खाती और बाकी मेरी फैमिली में सब लोग खाते हैं, मैं और काजल नहीं खाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ गेठी की सब्जी। गेठी की सब्जी भी दो प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे गेठी है ना, तो इनको जैसे उबालने के लिए रख दिया आलू की तरह, और उसके बाद ये फिर काट के आलू की गुटकों की तरह भी बना सकते हैं। लेकिन मैं बना रही हूँ इनको कच्चे छील के, और इसमें कद्दूकस करूँगी, लहसुन प्याज अदरक टमाटर सब चीज़ें डाल के, तो वो भी बहुत टेस्टी बनता है। और गेठी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी भी होती है। तो काट लेती हूँ मैं फटाफट सब्जी। पहाड़ों में तो दो तीन महीने रहना तो मुश्किल हो जाता है बिल्कुल, इतना कोहरा, इतना ठंडा, बाहर बिल्कुल निकलने को मन नहीं, और बिल्कुल हाथ पांव पूरे सूज जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा है, इतना ठंडा, बाप रे क्या बताएं। तो यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ।